देखिए खाना खाने जा रही है छत पर। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज राजा भाई के साथ मैंने 36 आवर टाइम स्पेंड मैंने किया उनके साथ, बहुत घूमा, बहुत फुल एंजॉय किया उनके पूरे फैमिली के साथ भी और राजा व्लॉग के साथ भी। गाइज जब राजा भाई इतने बड़े क्रिएटर हो गए वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं गाइज, तो आप भी कर दो गाइज, क्या फ़र्क पड़ता है। राजा भाई ने जैसा भी हो कमेंट तो किया, उन्होंने मेरा व्लॉग तो देखा, देखते हैं तभी तो वो कमेंट किए हैं। और गाइज जब धनबाद से हम चले ना तो नॉन स्टॉप राजा भाई के घर पे आए, राजा भाई को वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद फिर मैं अपने घर पे आया। मेरे घर पे वहाँ से लगभग 5:30 बजे के करीब में चले थे और मेरे घर पे आते आते 5:30 बज गया था लगभग, यानी कि 12 आवर लगातार मैंने ड्राइव किया गाइज। अभी देखिए मेरे पैर का क्या हाल हुआ है। ये मेरा पैर जो है ना, ये देखिए ये सूजा हुआ है। जब गाड़ी ड्राइव करते हैं ना गाइज तो सारा काम ये राइट वाले पैर से होता है, लेफ्ट वाले पैर होता है खाली क्लच के लिए। इतने देर तक ड्राइव करने पे कोई भी थक जाता है गाइज, तो मैं भी थक गया था और मुझे नींद भी आने लगा था। और नींद में ही लगता है कि मैंने अचानक से ब्रेक लिया है ना, तो ये मेरा जो अंगूठा है ये ऊपर ऐसे दब गया है जिसकी वजह से इसमें मोच आ गया है। मैं तो पूरे नींद में था, एकदम लगता था कि जैसे नशा लग गया है। वैसे गाड़ी मैंने लाया, कारपोरस में खड़ा कर दिया, उसके बाद मैं जैसे ही ऊपर आया चेंज किया और मैं सोया तो पता ही नहीं चला मुझे नींद कब लग गया। एकदम भरपूर मस्त वाला नींद लगा था। और जब मैं उठा, बेड से नीचे उतरा, तो मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ये सब दर्द गाइज भूल जाते हैं जब यूट्यूब पे सक्सेस मिलने लगता है और आप लोग सपोर्ट करने लगते हो, तो ये सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। एक्साइटमेंट ही तो था गाइज, और स्ट्रगल तो इसे ही बोलते हैं। एक यूट्यूबर का लाइफ ऐसे ही होता है, जहाँ भी थोड़ा सा सक्सेस की थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, आप भी स्ट्रगल करते हो, ये मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं करते हो, बट गाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आंधी तूफान, बरसात, पहाड़, एडवेंचर कुछ भी हो, उम्मीद की रोशनी दिखाई दिया वो लोग चल देते हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। वहीं हाल मेरा भी है गाइज, जब मुझे सक्सेस की थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण कहीं पर दिखती है फिर मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बाद में पता चलता है क्या मैंने गलत किया और क्या सही किया, जैसे कि एक प्रूफ आपके सामने ये है। चलिए ये सब तो चलता रहता है। युवराज, आज युवराज भी बहुत खुश है गाइज, आज युवराज जी बहुत हैप्पी है, खुश हो? हाँ, खुश हो। तो राजा अंकल को कुछ बोलना चाहोगे? बोलेंगे। क्या बोलोगे? थैंक यू राजा अंकल की आपने कमेंट किया, अब लगता है कि मेरे पापा जी का यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। गाइस जब हम जा रहे हैं अपनी मामा के पास वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये देखिए गाइस ये हमारी मामा, अब खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। थैंक यू राजा बाबू जो आपने कमेंट किया। बोलिए मेरे पापा जी को सपोर्ट कीजिए। राज के पापा जी को जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि वो जल्दी वायरल हो जाए। मेरे पापा जी को वायरल कर दीजिए ताकि वो हम लोग, ताकि वो युवराज के लिए और यो लाए। ये देखिए गाइस परी को गुड़िया बना रही है, गुड़िया नहीं बना रही, देखिए। और ये है पल्लवी, ये है मेरी बड़ी दीदी जो गाइस हवा खा रही थी इस कापी से, देखिए हवा ले रही है। दिखा दो, देखिए खाना खाने जा रही है छत पर। ओ का गिरा दी गाइस, तेरा ध्यान रखा ना कि आदि ये देखिए रख रही है नीचे का चप्पल पहन रहा है ना, अब इसको मत खाओ, नीचे का नहीं खाया जाता, हम नहीं खाते। अरे तो रख का ही नहीं, रखूंगी तब नू, तब नू खाने का वक्त आएगा। गाइस तो इस ब्लॉग को करते हैं, इंतजार हो पसंद आया होगा। पसंद दिख ही नहीं रहा है एकदम अजीब दिख रहा है गाइस, इस ब्लॉग को लग रहा है वो चूम काठी लग रहा है। रुको ना, रुको ना, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें, हम पकड़ते हैं, अब एंड करो ब्लॉग को। गाइस इस ब्लॉग को करते हैं, इंतजार हो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाया तो इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय। युवराज बहुत होशियार हो गया है, बहुत तेज हो गया है, और अब ये पीयूष के जैसा वीडियो जब बनाने लगेगा
तब मैं इसके लिए डेफिनेटली ओरियो के जैसा डॉगी लाऊंगा और युवराज उसी के साथ अपना टाइम पास करेगा। कौन सा डॉग? पोमेरियन डॉग। ठीक है, जब खरीदना होगा तो मैं तुमको साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, अब लगता है कि युवराज का भी और परी पल्बी आराध्या सबका अब विष पूरा हो जाएगा। चावल गिरा दी थी तो उसका बीवी कर लिया। तो अभी गाइज राजा ब्लॉग के एक कमेंट से मेरे फैमिली के पूरे मेंबर के फेस पे एकदम खुशी का लहर है, बट देवी जी के फेस पे नहीं है, बिकॉज उसकी मम्मी का डेथ हो गया है ना, तो उसी के मातम में गम में वो डूबी रहती है। अब क्या ही करेंगे गाइज, दुनिया का यही रीत है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का एक न एक दिन अंत होता ही है। दुनिया में जो भी चीज़ आया है उसका अंत होना ही होना है, तो इसमें ज़्यादा सैड भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसकी माँ है तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो रही है। तो राजा भाई आपके लिए एक स्पेशल मैसेज, आपके एक कमेंट से मेरे पूरे फैमिली में एकदम खुशी है, सबके फेस पे खुशी ही खुशी है, तो यही मैसेज आपको देना था, तो ये मैंने थोड़ा सा वीडियो कर लिया। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।